हेलो दोस्तों, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर एसएससी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जो हमारी सीरीज चल रही है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग एसएससी को पूरी तरीके से सीजीएल मेंस के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए कुछ मिसलेनियस लेकर के आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मिसलेनियस भी आपको बहुत जरूरी है जानना। और बेसिकली आज आप देखोगे तो आज मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन विशेष रूप से लेकर के आया हूं, तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके द्वारा आपकी आज ये भी टेस्टिंग हो जाएगी कि साइंस कितनी अच्छी से पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा क्यों ना कभी कभी आपके लिए भी एक अचंभा किया जाए। तो सीजीएल मेंस के लिए आज मैं आपके लिए विशेष रूप से साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि पूछे भी जा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। तो किसी भी प्रकार की देरी मत कीजिए यार, अपने दोस्तों को जोड़ो। भाई कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, प्लीज अपने दोस्तों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो और लाइक करो। तुमको पता है ये चीज कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा नए नए क्वेश्चन लेकर के आता हूं। याद रखना, जिसने मेंस की तैयारी कर ली, प्रीलिम्स चुटकी मार करके क्लियर कर लेता है, क्योंकि मेंस में इतने डिटेल वर्जन में उस चीजों को पढ़ लिया जाता है। तो सबसे पहले सेशन को आरंभ करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए छोटी सी मीठी सी प्यारी सी प्रार्थना कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक एनर्जी से भरपूर रहें। मेरे दोस्त, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन को प्राप्त करें। देवी जी बहुत बहुत है आपको भी, गुड आफ्टरनून बिल्कुल है आपको भी, बहुत बहुत गुड इवनिंग भी है आप लोगों को। फिलहाल गुड आफ्टरनून चल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने आपको मालूम है देवी जी कहना आपको चालू कर दिया, भाई साहब उनको कहना चालू कर दिया है। तो भाई सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, और वो पोस्टर और कुछ नहीं है, वो भाई सिलेक्शन वाला पोस्टर है। बोले तो कौन सा पोस्टर है सर, सिलेक्शन वाला पोस्टर है, क्योंकि आपको मालूम है आपका अपनी फैमिली बोले तो एग्जामपुर आपके लिए लेकर के आया है वो वाला रथ जिसको बोला जाता है विजय रथ। समझ रहे हो, ये वो रथ है जो कि विजय दिला देता है। जिस अग्नि रूपी रथ में तुम चल रहे हो, उसमें विजय की शांत लहरों में आपको शीतल देने वाला ये रथ है। मेरे दोस्त याद रखना, CHSL बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस पूरी तरीके से आपको दी जाएंगी, PDF पूरी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बाइलिंगुअल इन नेचर, हिंदी प्लस इंग्लिश। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको कराया जाता है, मॉक टेस्ट सीरीज पूरी करवाई जाती है, सेक्शनल टेस्ट करवाया जाता है और डाउट सॉल्विंग भी कराई जाती है। तो मेरे दोस्त प्लीज ध्यान में रखना इस चीज को, देरी मत करना, अपने दोस्तों चाहने वालों रिश्तेदारों सभी को ज्वाइन करवा देना, क्योंकि हम हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है, 60% का साथ में डिस्काउंट में भी दम है। ठीक, हाँ वेरी गुड मेरे दोस्त। ये किताबें मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, ये 9 किताबें जो हैं, एक किताब को बनाने में 10 किताबों का पूरा निचोड़ लिया गया है। तो इसका मतलब सर ये 9 किताबें 90 किताबों के बराबर रखती हैं वेटेज को। तो मेरे दोस्त याद रखना इस चीज को, पूरी ये तो आपको सेक्शन दिया ही जा रहा है, यदि आप इसको भी लेते हो साथ में तो ये दोनों का प्राइस घट करके कितना हो जाता है, ओनली 1499। अदरवाइज आप मार्केट से जाके परचेस करोगे तो ये किताबें ही आपको केवल 2000 की मिलेंगी। तो मेरे दोस्त मार्केट को छोड़ो, सीधे सीधे अपनी फैमिली से जुड़ो और इन क्वेश्चंस को करके जाओ, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं। इस चीज को भी आप याद रखो। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए भाई आपके लिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और आज आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है। क्या लगता है, सरल सरल चीजें कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है, हमेशा बताया है आपको, तो बड़ा सोच करके आंसर को दिया करिए। दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ने का प्रयास किया करिए, क्योंकि दो बार क्वेश्चन पढ़ने से आपके मेमोरी में बसा हुआ आंसर अपने आप बाहर आने स्टार्ट हो जाता है। क्या लगता है भाई आंसर, बताइए देवी जी। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है, आंसर आ गया है, वेरी गुड।
वायुमंडल में कितनी मात्रा होती है अप्रोक्स? बिल्कुल, वेरी गुड, 78 से 79%। सबसे ज्यादा क्या होता है सर? नाइट्रोजन वायुमंडल में, फिर होता है सर ऑक्सीजन, फिर कौन सा होता है? आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रटे होने चाहिए, ये चार तो हमेशा रटे होने चाहिए। ठीक है, ये चार तो आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसको आप गलती नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है पिछले सेशन में मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन दागा था और फिर आप लोगों ने वहां पर गलती कर दी थी। बहुत से बच्चे वहां पर भी हाइड्रोजन को लिख रहे थे, नाइट्रोजन को भी नहीं लिख रहे थे। चलिए चलिए, ठीक है, ओके ओके, देवी जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मेरे दोस्त क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चर्च, साइनोगॉज, मॉस्क, नन ऑफ दीज। एक, गिरजाघर, बी, आराधनालय, सी, मस्जिद, या डी, इनमें से कोई नहीं। देवी जी क्या लग रहा है आंसर? बताइए, वेरी गुड भाई, आंसर आ गया। बहुत से लोग कंफ्यूजन में भी रहते हैं, कुछ कहते हैं ए, कुछ कहते हैं बी। ओके ओके ओके, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर सही है, बिल्कुल मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो अंग्रेज है उनका चर्च होता है, लेकिन यहूदी जो होते हैं दैट इज जूस। जूस अगर आप देखोगे तो इज़राइल में आपको विशेष रूप से मिलते हैं, ये यहूदियों की जन्मस्थली है मेरे दोस्त। उसी प्रकार अमेरिका का जो तुम नासा देख रहे हो ना, यहां पर भी मेजॉरिटी ज्यूस ही बैठी है। जो तुम फेसबुक चला रहे हो ना, ये भी ज्यूस कम्युनिटी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है मेरे दोस्त। विश्व की वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड माना जाता है। कैसा माना जाता है? वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड माना जाता है। और जो इज़राइल है वो पूरा यहूदियों का देश माना जाता है। और आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब बेसिकली यहूदियों का ही नरसंहार किया था आपके हिटलर ने। समझ रहे बात को? तो याद रखिएगा इस चीजों को। वेरी गुड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज काबा? काबा ये तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। काबा क्या है? काबा क्या है? हिंदू तीर्थ स्थल, मुस्लिम तीर्थ स्थल, यहूदी तीर्थ स्थल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, ये तो दे दोगे आंसर बहुत अच्छे से। क्या लगता है भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है आंसर। जी हाँ, मुस्लिम तीर्थ स्थल दैट इज काबा। आपको मालूम है काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। किसने बोला था? अरे गदर पिक्चर में सनी देओल ने बोला था, देवी जी याद रखा करिए, समझ रही है? हाँ, वेरी गुड। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज सरस्वती पूजा। क्वेश्चन को समझिए, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज सरस्वती पूजा इन द फॉलोइंग स्टेट। नवरात्रि को सरस्वती पूजा स्थल के रूप में भी मनाया जाता है।
सर बिल्कुल है, नया टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो नवरात्रि में गरबा खेलते थे गुजरात में, तब तो वो तो ठीक था आंसर, लेकिन यहाँ तो गुजरात भी नहीं है जो हम गुजरात लगा दें। अब आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नवरात्रि को निम्नलिखित में से सरस्वती पूजा के रूप में किस स्टेट में मनाया जाता है। हाँ भाई क्वेश्चन भी यही है, मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं लाऊंगा तुम्हारे कि गुजरात में गरबा मनाया जाता है। जब मेंस लेवल की बात कर रहे हैं तो उसी लेवल में बात करेंगे आपसे। क्या लगता है? वेरी गुड, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ए बी बी ए ए बिल्कुल वेरी गुड। हाँ देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ आप लोगों के आंसर में पूरी तरीके से समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है ठीक भाई, याद रखो कहां पर है, दैट इज केरला। केरला में मनाया जाता है एज अ सरस्वती पूजा के रूप में। कहां पर? किसको? नवरात्रि को। ठीक वेरी गुड, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इज्तिमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हाल में चर्चा में रहा था, ये अखबारों में भी आया था इज्तिमा फेस्टिवल। क्या लगता है? बताइए, बहुत चर्चा में रहा था अभी। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, जो आदरणीय सीएम साहब हैं, तो हो सकता है कि बन जाए क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी ने बकायदा बधाई दी थी इसमें, दिमाग में रखिए कम से कम, आ सकता है, तो वहां पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए दिमाग। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर? भोपाल इज द राइट आंसर। हाँ हाँ मैं देख रहा हूं भाई आपके आंसर, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल समझ रहा हूं। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, मैं आपके आंसर दे दूंगा, कोई क्वेश्चन हो आपका। ठीक नेक्स्ट, गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है? Which gas is not in gaseous cycle? कौन सी गैस नहीं होती है? क्या लगता है भाई? बताइए, देखे जरा आज साइंस का कितना ज्ञान है आपको। देवी जी बताइए, आशीर्वाद बहुत दे दिया, बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नन ऑफ दीज? एक और रख दिया मैंने, मैंने कहा एक नन ऑफ दीज भी रख दे। क्या लगता है? नाइट्रोजन तो होगी, ऑक्सीजन हर जगह है, बचा कार्बन और हाइड्रोजन या नन ऑफ द अबव? बात मेरे याद रखो, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। क्या? हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। कार्बन का तो है यार, बहुत कार्बन का है, जितने जीव सड़ जाते हैं आपको मालूम है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कार्बन डेटिंग मेथड भी आप लोग करते हो। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही था, मैं देख रहा था भाई साहब, बिल्कुल सही है देवी जी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोताखोरों की श्वसन गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जोड़ी का उपयोग किया जाता है? गोताखोर जब वो ओशन में जाते हैं तो एक सिलेंडर लगा रहता है पीछे, उसमें कौन सी गैसेस होती हैं? अब पानी के अंदर सांस तो ले नहीं लेंगे, इतने महान है नहीं हम लोग, क्यों भाई नीरज भाई? बिल्कुल, क्या लगता है? ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड नियॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। क्या लगता है? ओके ओके, बिल्कुल सही है। नियॉन तो नहीं हो सकती है, नाइट्रोजन भी नहीं होगी, इनर्ट गैसेस है। ए आर्गन, नाइट्रोजन सॉल्युबल ज्यादा होती है, हीलियम कम सॉल्युबल होती है पानी में, इसीलिए इसको इनहेल करना आसान होता है बॉडी के अंदर। तो भैया क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ए आंसर बहुत सही दिया गया आंसर, ऑक्सीजन एंड हीलियम। मजा आ रहा होगा करके तुमको साइंस के क्वेश्चन, सीजीएल मेंस लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? देखिए दो टाइप से क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं लगातार आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को डेवलप करने का प्रयास करता हूं कि जो वाकई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज कुछ भी पढ़ा दिया जाए वो बात नहीं होती है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके में आए हुए हैं, डबल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको आंसर साफ साफ बताना होता कि ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं, लेकिन मेरे भाई यहां पर आपसे क्या पूछा? ऑक्सीजन तो उसने दे दिया, तुमको क्या लेना था? हीलियम इज द राइट आंसर, ठीक है? कितना? हीलियम इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादक क्षेत्र है, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज व्हीट फील्ड, पैडी फील्ड, कॉटन फील्ड या ग्राउंडनट फील्ड? गेहूं के खेत से मीथेन निकलती है, धान के खेत से निकलती है, कपास के या मूंगफली के खेत से? बहुत बार बताया गया, एक बार नहीं बहुत बार बताया। क्या लगता है आंसर? देखते हैं क्या देते हैं भाई साहब हमारे आंसर। देवी जी क्या लग रहा है आंसर? बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी बी बी, वेरी गुड, बी आंसर, ठीक ठीक ठीक। बी क्या है? दैट इज पैडी फील्ड, जी हाँ, वेरी गुड। पैडी फील्ड से आपकी मीथेन निकलती है, क्या निकलती है? धान के खेत से आपकी मीथेन निकलती है, ठीक है, धान के खेत से आपकी मीथेन निकलती है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हम लोग आ जाते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही है। भाई मेरे थोड़ा सा कष्ट करना होगा आपको, ए ऑप्शन आपको दे रहा है 1 2 4, बी ऑप्शन दे रहा है आपको 2 3 4, सी ऑप्शन आपको दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना होगा इसको मुझे,
सी ऑप्शन 2, 3 or 2, 4. तो प्लीज आप आंसर बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। वैसे इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ था, मैंने आपके लिए वहां पर भी उसको लिख दिया है। ठीक, तो क्या लग रहा है भाई आंसर? कह रहा है कौन करेक्टली मैच्ड है, जरा प्यार से पढ़ लेना। बायोगैस इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट के डिसऑर्डर के लिए, डीजीटी काउ डंग के रूप में, और निकोटीन टोबैको के रूप में यूज किया जाता है। क्या इसमें बिल्कुल सही मैच है? आपको देखना है कौन बिल्कुल सही मैच है और कौन गलत मैच है, तो उसी के आधार पर आपको अपना आंसर निकालना होगा। क्या लगता है? ओके, वेरी गुड। ठीक है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं डी। वेरी गुड, जो भी डी दे रहा है भैया बहुत सही आंसर दे रहा है। भाई साहब हमारे आंसर दे रहे हैं, देवी जी भी आंसर दे रही हैं। अब देखो मैंने हर एक के लिए, जितने भी हमारी बहनें हैं, सिस्टर हैं छोटी, मैं सबके लिए देवी यूज कर लेता हूँ। तुमको ये ना लगे मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे बहुत बार आया है कि सर आप उसको आशीर्वाद देते हैं हमको नहीं देते हैं ये वो, तो भाई मैं देवी जी नाम ले लेता हूँ, आप सब देवी में आ जाती है। ठीक है, ओके, बिल्कुल भैया। निकोटीन टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको में निकोटीन होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी जो होता है, कार्डियोग्राफी जो होती है वो हार्ट डिसऑर्डर से ही होती है, इसीलिए कार्डियोलॉजी जो होता है वो हार्ट का ही अस्पताल होता है। ठीक है, बायोगैस दैट इज अ काऊ डंग में आ जाएगा, और डीडीटी एज अ इंसेक्टिसाइड्स के रूप में चला जाएगा। सर आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट। कौन सा रसायन फलों को पकाने में मदद करता है? इथेफोन, एट्राजिन, आइसोप्रोटोरॉन, मेलाथियोन। क्या लगता है भाई? थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है यहां पर, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है यहां पर। वेरी गुड, आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही दिया है भाई साहब ने हमारे आंसर, बिल्कुल। देवी जी ने भी सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल ठीक है आप, बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है, दैट इज इथेफोन इज द राइट आंसर। देखिए इथेफोन भी आ सकता है, इथरेल भी आ सकता है। इथेफोन जो होता है पानी में डिसॉल्व होकर के कौन सी गैस को निकालता है? दैट इज इथाइलीन। आपको मालूम है इथाइलीन गैस जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इथेफोन ये जो होता है, एट्राजिन, आइसोप्रोटोरॉन, दैट इज अ इंसेक्टिसाइड्स, सॉरी हर्बीसाइड्स। हर्बीसाइड्स वो होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी खेत होता है, फील्ड होती है, उसमें आपने क्रॉप्स लगाए होते हैं, तो जो क्रॉप्स लगाई होती है वो तो लगी होती है, उसके बाद भी कुछ अनचाहे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं, समझ रहे हो? वो जो अनचाहे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को जो है वो पूरी तरीके से सक कर लेते हैं, इसीलिए एट्राजिन, आइसोप्रोटोरॉन ये सब चीजें यूज की जाती हैं एज अ हर्बिसाइड्स के रूप में। ठीक है, ठीक, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। पकाने के लिए
निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए एक ही टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा क्या? क्या लगता है भैया? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या कोई भी नहीं? समुद्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? NaCl, कैल्शियम कार्बाइड, KCl, नन ऑफ दीज। क्या लगता है भाई? सोचिए सोचिए सोचिए, आंसर आना चाहिए, क्योंकि केवल एथाइलीन से काम नहीं चलेगा। एथाइलीन नहीं आएगा तब क्या होगा? बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, वेरी गुड, आंसर आ चुका है, बिल्कुल कैल्शियम कार्बाइड इज द राइट आंसर। यह डबल बॉन्ड है ना, तो इथाइलीन का वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है CH3 में, ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त, कैल्शियम कार्बाइड के केमिकल को भी यूज किया जाता है। देवी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कैल्शियम कार्बाइड के केमिकल को यूज किया जाता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है यार, सही है। केसीएल ने, केसीएल ने, पोटेशियम क्लोराइड ने, ठीक है। हमारा जो स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड भरा होता है? कौन सा एसिड होता है जो हमारे स्टमक में भी होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज HCl, ठीक, वेरी गुड, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, ब्यूटाडाइन, इथाइलीन, आइसोप्रीन या स्टाइरीन? बताइए, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई साहब हमारे, आइसोप्रीन, ठीक है। नेचुरल रबर जो होती है भाई मेरे, वो नेचुरल पॉलीमर होती है किसकी? आइसोप्रीन की होती है, इज अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर, इथाइलीन नहीं, इथाइलीन दैट इज अ फ्रूट राइपनिंग एजेंट, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? दोबारा छाप दिया वही चीज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दो बार छप गया तो हम आइसोप्रीन को दोबारा पढ़ लेंगे, ताकि कहीं आ गया पेपर में तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नहीं की बात कर रहा है आपसे, बताइए
वूल, सिल्क, लेदर या नायलॉन? क्या लगता है? बताइए प्लीज। देवी जी बिल्कुल सही है, आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल भाई साहब के आंसर गलत भी है। अरे ऊन क्या लग रहा है तुमको, इसमें सबसे मजबूत क्या दिखता है तुमको, जिसको तुम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, कपड़े अपड़े में भी यूज कर सकते हो? रेशम तो देखो होगा नहीं, ऊन होगा नहीं, क्योंकि तो बहुत हल्के हल्के हैं। चमड़ा हो सकता है, नायलॉन हो सकता है। चमड़ा डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप खाल से, समझ रहे हैं? डायरेक्ट खाल से चमड़े को यूज किया जा सकता है। नायलॉन, नायलॉन दैट इज अ सिंथेटिक, ठीक है, नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक, नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? अब तो तुम समझ गए होगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे क्वेश्चन को तोड़ देना चाहिए। बताइए, बेकेलाइट, सिल्क, कैवलार या लेक्सर, कौन नेचुरल पॉलीमर है? अब जिसने भी अगर गलत आंसर दिया तो आज उसको कौवा जरूर काट लेगा। आज नहीं काटेगा तो कल काटेगा। बचोगे नहीं, याद रखना इस चीज को। बताइए, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी पहले तो करके आए हो मेरे भाई। रेशम इज द राइट आंसर, सिल्क इज द राइट आंसर। क्या सिल्क इज द राइट आंसर? क्या सिल्क इज द राइट आंसर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं है? देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, चार चार बार वही नेचुरल पॉलीमर करके आ गया और फालतू के तुमको नंबर दे गया वो। क्या लगता है? घी, स्टार्च, प्रोटीन, कॉटन? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त, घी इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, घी नहीं है, घी पॉलीमर होता ही नहीं है। घी पॉलीमर होता ही नहीं है, जबकि जितने और है दैट इज सभी पॉलीमर है। प्रोटीन भी होता है, स्टार्च भी होता है, कॉटन के रेशे होते हैं वो भी पॉलीमर के रूप में होता है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है? दैट इज नेचुरल, सिंथेटिक नहीं है। ठीक, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ड मेकिंग इज एन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, दही बनाना एक प्राचीन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें शामिल होती है क्या चीजें? किससे बनता है दही? जीवाणु से, विषाणु से? क्या लगता है? बताइए,
वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जीवाणु मैंने बहुत बार बताया भी है आपको इसका कि कौन सा होता है। आई थिंक याद हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल बैक्टीरिया, दैट इज द राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? ये भी मैंने बहुत बार तुमको बताया है, शायद तुमको याद हो, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि तुमको याद होगा। क्या लगता है भाई आंसर? थोड़ा इंटरेक्टिव बनो भाई, स्पीड से आओ, समझ रहे हो? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या टार्टेरिक एसिड, क्या होता है? ओके, ठीक ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टार्टेरिक एसिड। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैलिक एसिड तुमको एप्पल में मिलेगा, सिट्रिक एसिड तुमको सिट्रस वाले फ्रूट में मिल जाएगा, एसिटिक एसिड तुमको अचार अचार में मिल जाएगा, ठीक है? नींबू में दैट इज सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल में, टार्टेरिक एसिड तुमको अंगूर में भी मिलता है, और इमली में भी मिलता है, ठीक है? इमली में भी हो जाता है क्या तुम्हारा? दैट इज टार्टेरिक एसिड। चलिए, हाँ भाई आपका बिल्कुल ठीक है, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सही है, देवी जी का भी बिल्कुल सही आया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजपथ कहां पर है? तुम सब चिल्ला चिल्ला के कहोगे नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, हम समझ गए राजपथ, लेकिन उस राजपथ पे चलने वाला, राजपथ पे जो तुम चलने वाले हो उसके लिए विजय पथ पर चलना जरूरी है, और वो विजय पथ कहां पर है? तो मेरे दोस्त, वो विजय पथ तुम्हारी अपनी फैमिली, बोले तो एग्जामपुर फैमिली में है, समझ रहे हो? जी हाँ, एग्जामपुर फैमिली, बोले तो विजय पथ, लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, पूरी तरीके से एक बार लगाने का, लाइव जिंगा डालने का, समझ रहे हो? और इसके साथ किताब भी ले लेते हो, ये 90 किताबों के बराबर 9 किताबें हैं, ध्यान में रखिएगा। दोनों का कॉम्बो लेते हो 60% का और बड़ा ऑफर दे करके तुमको दे दिया जाता है 1499 में। गलती मत करना, छोड़ने की गलती आप नहीं कीजिएगा। अदरवाइज अगर ये 9 किताबें आप यहां से मंगवाएंगे तो आपको पूरे 999 रुपीस देने पड़ेंगे। यदि दोनों कॉम्बो ले लोगे तो मस्त तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी बढ़िया, और किताबें भी तुमको मिल जाएगी, कंप्लीट पैकेज ले लेना। यहां पर सबसे ज्यादा मैच्योर, और आप खुद जानते हो कि कितनी बड़ी टीम आपके लिए यहां वर्क कर रही है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपके लिए क्या कहते हैं 12 से ज्यादा टीचर लगाता हो, और यहां पर आपको 12 प्लस टीचर देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्त, गलती से भी गलती मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा अनुभवी टीम है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ टीम है, हर इंसान को यहां पर एक एक स्पेशलिटी दी गई है कि नहीं आप बच्चे को पूरी तरीके से मजबूत कीजिए, पूरा का पूरा फोकस एक ही टॉपिक पर लगा डालिए, ताकि बच्चे के जोन से किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर निकलने की गलती ना करे। तो जैसे क्वेश्चन गलती नहीं करेगा बाहर निकलने की, वैसे ही तुम भी गलती मत करना जल्दी से सिलेक्शन लेने की, और मेरे दोस्त विजय पथ को ज्वाइन करने की, मतलब जल्द से जल्द ज्वाइन करो, सिलेक्शन जल्द से जल्द ले लो।
यहां पर आपके लिए दिया गया है मेरे दोस्त, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स पर आ जाना। खोलने के बाद मेरे दोस्त यहां से बाय के ऑप्शन को टिक करोगे। यहां पर आपसे आगे मांगेगा कि कौन से कूपन कोड की बात कर रहे हैं, तो 60 जरूर लिखना है, तभी 60% डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर इसको टिक करना, पेमेंट करना, थैंक यू का मस्त मैसेज ले लेना और पढ़ाई में मशगूल हो जाना, सिलेक्शन ले लेना। अगर किताब आपको लेनी हो तो उसके लिए भी आपको ऐप में जाना पड़ेगा। ऐप में जाइए, किताब के ऑप्शन को टिक कीजिए, यहां पर वो किताबें दिख जाएंगी। बाय के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑर्डर को अपना प्लेस कीजिए, अपना पूरा यहां पर पता भरिए ठीक से, यहां पर क्लिक कीजिए, आपकी एड्रेस स्लिप जनरेट हो जाएगी, पेमेंट कीजिए और एज सून एज पॉसिबल आपकी ये सारी किताबें आपके दिए गए पते पर आपको पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट हो जा रहे भैया, अभी है क्वेश्चन बाकी है। ये देखो, मानव पोषण के लिए टमाटर एक समृद्ध स्रोत है। टमाटो में कौन सा आपको एसिड सबसे ज्यादा मिलेगा? क्या लगता है, एसिटिक एसिड, मेथोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड? क्या लगता है भाई, आंसर बताने का बहुत लोग दे भी रहे हैं आंसर, सही भी आ रहा है, बहुतों का गलत भी है। समझ रहे हो, इतना सर टमाटर खाया लेकिन कभी टमाटर सही नहीं पूछा, भैया कौन सा एसिड दे रहे हो मेरी बॉडी के लिए? अरे भैया खट्टा फ्रूट होता है कि नहीं होता है? खट्टा फ्रूट होता है कि नहीं होता है? जो खट्टा फ्रूट होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? नींबू वर्गी जितने फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? सर सिट्रिक एसिड होता है। अभी मैलिक एसिड को भी तुम लेकर के आए थे मेरे दोस्त, इसमें मैलिक एसिड भी होता है, ये भी याद रखना। बहुत ही स्लाइटली मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, समझ रहे हो, लेकिन मेनली कौन सा होता है? मेनली सर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा भूलने की। हो गया ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक एसिड अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। आप बताइए, यहां पर बनाना तक की बात की है उसने, समझ रहे हैं, जो आप लोग सबको बनाते रहते हो ना उसी प्रकार उसने भी पूछा है बनाना। क्या लगता है आंसर, टेल, वेरी गुड। अभी करके आए हैं दैट इज टार्टेरिक एसिड, ठीक है, दैट इज टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? बताइए, क्या लगता है,
बिल्कुल 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 सही है देवी जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मेरे दोस्त कौन सा ऑक्सैलिक एसिड, मेरे दोस्त फार्मिक एसिड होता है एक, आपको मालूम है मधुमक्खी आपको काट लेती है, या बरैया आपको काट लेती है, या चीटी लाल वाली जो आपको काटती है, तो क्या होता है उसमें सर? फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप जानते हो, सिट्रस फ्रूट, इसमें नींबू भी आएगा टमाटर भी आएगा। एसिटिक एसिड अचार में यूज करते हैं, विनेगर में भी एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एसिड का उपयोग किया जाता है? क्या लगता है आंसर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, प्लीज बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। ठीक, वेरी गुड। मेरे दोस्त बहुत से लोग गलत आंसर दे रहे हो, बहुत गलत आंसर दे रहे हो। टार्टेरिक एसिड, कौन सा? टार्टेरिक एसिड को मिलाया जाता है किसमें? बेकिंग पाउडर में। ठीक है, याद रखिएगा, आ चुका है तभी मैं आपको करा रहा हूं। बेंजोइक एसिड जो होता है ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। आप जैम खरीदना, या आप सॉस खरीदना, या आप पतंजलि का आंवला भी खरीद लेना, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ाने के लिए बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है। ये शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एक्सप्लोजिव? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट या नाइट्रोग्लिसरीन? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन भी देख सकते हो। ग्लिसरिन ट्राई नाइट्रेट भी लिख सकते हो। किसको यूज करते होंगे भाई? यह सिंपल सा आंसर है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। कौन सा हो जाएगा? दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक में आवश्यक घटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है? सीजीएल का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट? बताइए। डायनामाइट में तो बहुत यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन।
मेरे दोस्त याद रखना एमाटोल, एमाटोल दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, क्या एमाटोल दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, इसको यूज किया, इसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है मेरे दोस्त, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी छोटे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये जो एक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं इसको अपने कॉपी में नोटबुक में नोट जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी संभावना बहुत होती है। ये एक जगह नहीं आए हैं, सबसे बड़ी बात है ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में मैंने इनको लोकेट किया, तो बहुत जगह पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपकी नोटबुक में जरूर प्रिंटेड होने चाहिए, और इसको प्रिंट कीजिए अपनी नोटबुक में। और आज के सेशन को मेरे दोस्त मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।